ये है GSAT-N2, ये SpaceX के फैल्कन 9 के ऊपर लॉन्च होने वाला है। ऐसे क्यों वो जानेंगे ही, और हमारा वो 10 टन का रॉकेट वो कहाँ है उसका अपडेट लेंगे। GSAT-N2, इसका प्रीवियसली नाम था GSAT-20, बहुत सालों से चल रहा है ये, ऑलमोस्ट 2018 से इस सैटेलाइट का बात हो रही है। ये सैटेलाइट एक हाई थ्रूपुट कम्युनिकेशन सेट है जो करंट फॉर्म में 48 Gbps की कैपेसिटी रखती है। इसके ऊपर 3 एंटेनाज है बड़े जो अलग अलग पोर्शन ऑफ द कंट्री कवर करेंगे अलग अलग बीम्स में। ये एक डिसेंटली साइज सेट है, ऑलमोस्ट 4.7 टन इसका वेट है यानी 4700 kg, और ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जा रही है। अभी हमारा सबसे पावरफुल रॉकेट, हमारी क्वीन, हमारी सुप्रीम लीडर, हमारी मास्टर GSLV Mark 3 LVM 3, इसकी कैपेसिटी तो 4 टन है, राइट? मार्क 3 की कैपेसिटी 4 टन टू जियो ट्रांसफर ऑर्बिट है, और वो 10 टन डाल सकते हैं लो अर्थ ऑर्बिट में, तो ऑब्वियसली ये तो इनफ नहीं होगा रॉकेट हमारे लिए। अब मुझे पता है आप में से काफी लोग जानते होंगे कि नो काफी सालों से एक प्रोग्राम चल रहा था हमारे इसी रॉकेट को मार्क 3 को अपग्रेड करने के लिए, करीब 5 टन कैपेसिटी 5 to 6 टन सेमी क्रायो इंजन के साथ। इसके ऊपर हम आएंगे आगे, पर फिलहाल कंक्लूजन हमारा ये है कि कोई भी करंट रॉकेट एग्जिस्ट नहीं करता हमारे साइड से जो इसे लॉन्च कर सके। पर स्टोरी वियर्ड है, स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती है, क्योंकि पहले इस सैटेलाइट को डिजाइन ही किया जा रहा था मार्क 3 के ऊपर लॉन्च करने के लिए। जैसे मैंने बोला ये 2018 से चल रहा है इस सैटेलाइट की बात, पर तभी खासियत ये थी कि ये सैटेलाइट इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन के साथ आने वाला था, तो उसका वेट कम होने वाला था, वो 3 point कुछ टन होने वाला था, तो इसलिए वो परफेक्ट था मार्क 3 के लिए। और उसके बाद स्लोली स्लोली चेंजेस होने लगे इस सैटेलाइट को। जैसे 2020 में सिवन सर जो तभी चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि इसका वेट अभी 5 टन और 100 Gbps की कैपेसिटी रखता है, राइट? अगेन अगर 5 टन होता और उसके ऊपर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन होता तो शायद जो हमारा मार्क 3 है वो लॉन्च कर पाता, उसे थोड़े लोअर ऑर्बिट में डालता, एंड देन वो सैटेलाइट खुद के इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन से एक टारगेट ऑर्बिट में चले जाती। बट अभी अभी जब ये फाइनली आ गया बात, तो अभी है उसका वेट 4.7 टन और केमिकल प्रोपल्शन यूज कर रहा है वो, जो रेगुलर प्रोपल्शन है, और इंस्टेड ऑफ 100 Gbps अभी है 48 Gbps। तो काफी कुछ चेंज हुआ ऐसे लग रहा है इस सैटेलाइट में। देखो एकदम बड़ा सैटेलाइट है जो हम लॉन्च नहीं कर सकते, ये कोई अनकॉमन चीज नहीं है। काफी सारे टाइम ऐसे हुआ है कि हमने बहुत बड़े सैट्स बिल्ड किए जिसकी जरूरत थी, और हमने किसी फॉरेन लॉन्चर से लॉन्च किया, और वो फॉरेन लॉन्चर हमेशा होता था Ariane 5 जो यूरोपियन लॉन्चर है, उनके साथ काफी सारे लॉन्चेस किए हमने, पर अभी वो रॉकेट रिटायर हो गया, तो अभी ज्यादा चॉइसेस नहीं थे इसरो के पास। एक था ऑब्वियस हमारे रशियंस, और एक है SpaceX। अब SpaceX सेंस करता है क्योंकि वो मोस्टली चीपर होगा रशियन से, एंड हमें नहीं पता अगर कोई सैंक्शंस वगैरह का भी इशू है तो इसमें। बट अगर आप देखो तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत एम्बेरसमेंट है इसरो के साइड पे, मतलब उन्हें शर्म आ रही है बोलने पब्लिक में कि SpaceX लॉन्च कर रहा है। जैसे मैं समझाता हूँ आपको, देखो इसका सबसे पहले जनवरी में करीब इसका अनाउंसमेंट आया NSIL से, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो इसरो का कमर्शियल आर्म है और जो प्रोडक्शन और ये प्राइवेट प्लेस के साथ वगैरह डील करता है, तो उन्होंने ये प्रेस रिलीज ट्वीट किया था। अब ट्वीट में कोई मेंशन नहीं है SpaceX का, पर अगर आप रिलीज पढ़ोगे एकदम एंड में आपको दिखेगा कि ये SpaceX लॉन्च कर रहा है फैल्कन 9 के ऊपर Q2 2024, मतलब जून एंड होने से पहले। तो इस वीडियो के मतलब इस वीडियो के अपलोड के बाद करीब 2 वीक्स में इसका हमें शायद लॉन्च देखने मिले। इसरो ने भी एक डिटेल्ड आर्टिकल पब्लिश किया N2 के ऊपर, पर उसमें SpaceX का मेंशन नहीं है, वो ठीक है, बट देन एक वियर्ड लाइन है जिसके ऊपर लिखा है कि दिस इज कंपेटेबल विद ऑल मेजर या मेजर लॉन्च व्हीकल्स। आई मीन कम ऑन, आपको बताया वो किस रॉकेट के ऊपर लॉन्च हो रहा है, आपके ही कमर्शियल आर्म ने बहुत पहले अनाउंस कर दिया है पब्लिकली। और वो यूजुअली क्या होता है, इसरो कोई भी ऐसा ब्लॉग पब्लिश करता है अपने वेबसाइट के ऊपर, उसके बारे में ट्वीट करता है। अब कोई भी ब्लॉग उठा लो, मेजर ब्लॉग्स का ट्वीट है या सोशल मीडिया पोस्ट है, पर इसका नहीं हुआ अब तक, तो नहीं हुआ इस अपलोड डेट के तक। इट्स ओके मेरे हिसाब से, आई थिंक हमें तो आई थिंक इसरो को तो उल्टा बोलना चाहिए कि SpaceX लॉन्च कर रहा है, क्योंकि हमारे सब लोग ट्विटर के ऊपर, दूसरे साइट्स के ऊपर मिनिस्टर्स पे थोड़ा प्रेशर डालेंगे टू पुश फॉर फंडिंग द नेक्स्ट रॉकेट एंड नेक्स्ट इंजन, जो इंपॉर्टेंट है, राइट? ऐसे ही इवेंट से प्रेशर आएगा मिनिस्टर्स के ऊपर फंड देने के लिए नेक्स्ट रॉकेट के लिए। हम नेक्स्ट रॉकेट की बात करते हैं, पर उससे पहले इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन के बारे में बोला, देखो आपको वो क्यों नहीं हुआ, इस सैटेलाइट के ऊपर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन क्यों नहीं है। इसरो का बहुत जोरों शोरों से इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन प्रोग्राम चल रहा है, इनफैक्ट उनके पास काफी सारे वैरायटी है इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स की। मैं एक एशिया नेट का एक वीडियो डाल दूंगा, उन्होंने VSSC विजिट किया था और सब थ्रस्टर्स का ऐसे दिखाया था, लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या ये जो नंबर आ रहा है उसको फॉलो करो। उसके बजाय रिसेंटली जब वो गगनयान के एस्ट्रोनॉट्स का अनाउंसमेंट हुआ था, तभी वो PM के लिए ऐसा एक डिस्प्ले के लिए किए थे वो लोग, तो वहां पे भी इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन के कुछ इंजिन्स थे, तो फिर ये उड़ क्यों नहीं रहा इसके ऊपर। वो इसलिए क्योंकि हाई थ्रस्ट इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन अब तक इसरो ने स्पेस में प्रूव नहीं किया। प्राइवेट कंपनीज जैसे बेलेट्रिक्स ने, आपने देखा होगा रिसेंटली इसरो के ही रॉकेट के ऊपर स्टेज के ऊपर एक इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन टेस्ट किया, पर वो छोटे है, वो स्टेशन कीपिंग काइंड ऑफ थ्रस्टर्स है और छोटे सैटेलाइट्स के लिए। एक हाई थ्रस्ट एक
ज्यादा पावरफुल वाला इसरो लॉन्च करने वाला है जल्द एक सैटेलाइट जिसका नाम है TDS-01 टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन SAT-01। तो उसके ऊपर काफी सारे टेक्नोलॉजीज डेमोन्स्ट्रेट करने वाले, इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन उनमें से एक है, एंड ऑफ कोर्स वो सब कटिंग एज है, राइट? उसको टाइम लगेगा, डिलेस नेचुरली पार्ट होंगे ऐसे मिशन के, तो वो प्लान है इस साल या तो अगले साल अर्ली। तो एक बार वो प्रूव हो जाता है उसके बाद इसरो ऐसे बड़े सैटेलाइट्स के ऊपर डालने स्टार्ट कर सकता है इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन, क्योंकि वो रिस्क नहीं ले सकते, राइट? ये सैटेलाइट शायद रॉकेट से भी महंगा होगा, इतने सालों की मेहनत है वो, तो प्रूवन चीजें ही जाएंगी उसके ऊपर मोस्टली, राइट? और रॉकेट के ऊपर आते हैं, ये SC-200 प्रोग्राम जो सेमी क्रायो प्रोग्राम है अपना, जो 2000 किलो न्यूटन वाला बहुत पावरफुल रॉकेट है। अब यहाँ पे एक बोलना चाहूंगा, मुझे पता है यहाँ लोग पॉइंट करेंगे कि अग्निकुल ने तो सेमी क्रायो फ्लाई कर लिया, इसरो क्यों नहीं कर पा रहा। देखो अग्निकुल का जो इंजन था वो 6 किलो न्यूटन था, वो भी प्रेशर फेड। इसरो का SC-200 है वो 2000 किलो न्यूटन, ठीक है? मतलब वो ज्यादा करीब है वो स्पेसएक्स के रैप्टर से, और ये फुल क्लोज साइकिल इंजन है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ऐसे प्रोग्राम्स को डिले जाना नेचुरल है। हाँ, हम डिबेट कर सकते कि मोर देन 1.5 डेकेड्स क्यों गए इस प्रोग्राम में, और मैंने जब सोमनाथ सर को इंटरव्यू किया था तभी भी पूछा था कि इतने साल हमने डाले इस इंजन में, क्या इसका यूज भी है, राइट? क्योंकि याद रखो इसरो जो 10 टन का रॉकेट बना रहा है जिसके बारे में बात करूंगा, वो यूज भी नहीं करता ये इंजन जाएगा बस इस Mach 3 के कोर अपग्रेड प्रोग्राम में, और पता नहीं डिलेज चल रहे, राइट? बहुत साल पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने ऑलरेडी स्टेज डिलीवर कर दिया था इसरो को टेस्टिंग के लिए। तो SC-200 का फिलहाल अपडेट यही है कि उनका लास्ट फर्स्ट टेस्ट में कुछ इश्यू आया था फुल पावर हेड टेस्ट में, फिर उन्होंने रिसेंटली प्री बर्नर टेस्ट किया, मतलब मेन कंबस्टर चेंबर से पहले आप एक और छोटा चेंबर जलाते हो जिससे टर्बाइन्स रन होती है, उसका टेस्ट किया जो सक्सेसफुल हुआ उसका इग्निशन टेस्ट, और होपफुली कुछ महीनों में फुल टेस्ट दिखने मिले हमें। बट देखो ये सब एक्सपेक्टेड है, इश्यूज, इतना कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है तो इश्यूज आएंगे। एंड NGLV की बात करें जो है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, मैंने काफी मीडियोस में इसके बारे में आपको अपडेट दिया है, बट लेटेस्ट अपडेट ये है कि इसरो ने एक टीम फॉर्मलाइज की है उसके लिए, और उसका नाम है प्रोजेक्ट सूर्य। वो रॉकेट का नाम बनेगा कि नहीं पता नहीं, बट अच्छा है नाम सूर्य, और उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स वगैरह सब कुछ असाइन किए गए हैं। होपफुली गवर्नमेंट इसे जल्दी फंड करे इसे, और वो मेथलॉक्स इंजन को जो डेवलप कर रहे हैं तो वो मीथेन ऑक्सीजन इंजन यूज करेगा जो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। और इसरो की प्रोपल्शन टीम ना जब खुद ओरिजिनली कुछ बनाती है तो एक्चुअली अच्छा बनाती है। अगर आप ये SC-20 देखो जो Mach 3 के ऊपर फ्लाई करता है, ये उनका ओरिजिनल डिजाइन है, और ये वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल अपर स्टेज क्रायोजेनिक इंजन है, बहुत खूबसूरत डिजाइन है। इन दिस केस हम सोच सकते कि क्या SC-200 मिस्टेक था दूसरों का डिजाइन कॉपी करना, इंस्टेड अगर इस टीम को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती टू न्यू डिजाइन स्क्रैच से बनाना, तो शायद अब तक हमारे पास एक सेमी क्रायो इंजन होता। बट देन अगेन ये सब पास्ट है, जो फिलहाल है उसको देखिए आगे बढ़ना चाहिए। बहुत एक्साइटेड हूं मैं NGLV के लिए और ये मेथलॉक्स सिस्टम के लिए, देखते हैं कब क्या होता है, बट आई थिंक हमें और भी ऐसे SpaceX लॉन्चेस एक्सपेक्ट करने चाहिए जो इसरो खरीदेगा उनसे। एंड ठीक है, हम लोग के भी होपफुली बचत होगी अगर वो अच्छा डील दे रहे, फिलहाल के लिए इस डेकेड के लिए। तो NGLV होपफुली इस एंड ऑफ द डेकेड तक रेडी हो जाएगा।